दोस्तों आप हिबिस्कस के जो फ्लावर है वो देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज के फूल होते हैं। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आपका जो प्लांट है वो इतना ज्यादा अगर फूल दे रहा है और आपका प्लांट अगर पूरी तरह से कलियों से भरा हुआ आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपके प्लांट को हमेशा कंप्लीट न्यूट्रिशंस देना पड़ेगा। कंप्लीट न्यूट्रिशंस का मतलब है जैसे 17 तरह के न्यूट्रिशंस जो है हमारे प्लांट को जरूरी होते हैं। तो आप ऐसे न्यूट्रिशंस दीजिए जिससे आपके जो प्लांट को जो भी चीजें चाहिए वो पूरी तरह से मिल जाए। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा इसी तरह की वीडियोस ही शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको कई बार लगता है मैडम इतना ज्यादा खाद बताती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक रेगुलर रूटीन बना लेंगे, जो मैंने 5 दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था हिबिस्कस को लेकर, वो लिक्विड फर्टिलाइजर के ऊपर था और वो वीडियो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। और वो अगर आप सिर्फ लिक्विड देना चाहते हैं अपने प्लांट में तो वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन आज जो वीडियो बता रही हूँ उसमें कई लोगों के पास समय नहीं हो पाता है, तो वो हो सकता है मंथ में 2-3 बार खाद देने का उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो एक बार में ही जो है खाद दे देते हैं। तो उनके लिए आज का वीडियो है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे गमले से भी आप फूल ले सकते हैं, यानी जो कटिंग्स आपने अभी रेडी किया है उनमें भी आपके जो है 40 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 50 दिन तक फूल आने लग जाता है। तो क्या क्या चीजें मैं ध्यान रखती हूँ वही चीजें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो चलिए बताती हूँ कि क्या फर्टिलाइजर है उसे देने से आपके प्लांट में अगर कभी भी फूल नहीं आया है तब भी ये फर्टिलाइजर देने से आपके प्लांट में फूल आने लगेगा। अगर आपने अपने प्लांट को अच्छी तरह से रिपोर्टिंग वगैरह का ध्यान रखा है, ब्रांचेस वगैरह कट अच्छे से कर रखा होगा, या क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट है उसको आपको जो है टाइम पर प्रूनिंग करने की जरूरत होती है। इसका जो है सेमी प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब आपके जिस भी ब्रांच में कलियां नहीं है बस आप उसको कट कर दीजिए और जिनमें कलियां है उनको खिलने दीजिए, तो ही आपके प्लांट में जो है मल्टीपल ब्रांचेस आने लगेगी। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको ध्यान रखना होता है। और नॉर्मली मैं अपने सभी वीडियोस में बताती हूँ कि गुड़हल का प्लांट जो है उसको कम से कम 7-8 घंटे की धूप चाहिए, उसके अलावा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, एसिडिक लवर है तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। इसकी जो हर साल आपको एक बार कम से कम इसको रिपोर्टिंग करना होता है, रिपोर्टिंग की काफी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हैं। आप इतने ज्यादा अगर फूल चाहते हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि हर एक ब्रांच में कलिया हो तो आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो है प्रूनिंग करना होगा और मल्टीपल ब्रांचेस लेनी होगी अपने प्लांट से। उसके लिए 3G कटिंग्स भी करना होता है, यानी आपके प्लांट में जब भी ब्रांचेस थोड़ी सी बड़ी हो जाए उसको कट कर दीजिए। एक ब्रांच काटेंगे तो 2 निकलेगी। बस ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वाटरिंग का आप ध्यान रखिए, इसको बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं चाहिए बट थोड़ी सी मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। येलो लीव्स आ रही है तो आपको जो है येलो लीव्स को हटाना है क्योंकि ये भी जो है आपके प्लांट से एनर्जी ले लेगा। हिबिस्कस में काफी ज्यादा इंसेक्ट का भी अटैक होता है, तो आप चाहे तो अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो महीने में कम से कम आपको 3 बार स्प्रे करना है। उसके लिए आप 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, उसके साथ आप कोई भी लिक्विड सोप ले लीजिए और उसे भी जो है 5 ml लेकर अपने प्लांट पर हर 10 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए। अगर आपके पास समय कम है और आप केमिकल वाला यूज करते हैं तो आप रोगर हो गया, कॉन्फिडर हो गया, या मैं फाइटर 505 भी कई बार यूज करती हूँ। फाइटर 505 जो है वो कैटरपिलर वगैरह पर बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो वो महीने में एक बार ही करती हूँ या 25 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, मतलब बोला जाए तो एक महीने में एक बार करेंगे तो काफी है, समय नहीं होता है तब। और बताऊंगी कि है ना कि इसकी कटिंग्स वगैरह लगाने का भी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी शेयर है। आप इसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं, आप इसका जो है नॉर्मली इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और जो है कटिंग्स लगाते हैं। इस 3 तरीके से आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, अपने जो प्लांट है उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा।
शुरू में ही बता दिया है कि जब भी आप अपने प्लांट से एक छोटे से प्लांट को अगर गमले में रख रहे हैं, 10 इंच 12 इंच के गमले में रख रहे हैं, तो आपको हर साल जो है इसकी रूट्स को कट करना पड़ेगा, इसको रिपॉटिंग करना पड़ेगा और इसके लिए एक अच्छी पॉटिंग मिक्स भी देना पड़ेगा। और वो सब चैनल पर है, मैं आप लोगों को हर चीज का लिंक यहाँ दे दूंगी, आप जरूर से देख लीजिए। अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आता है तो उन चीजों का आप अगर ध्यान रख रहे हैं, और इसे महीने में एक बार हैवी फीड जरूर दीजिए। हैवी फीड का मतलब है ऐसी चीजें आप इसको देना पड़ेगा ताकि आपका जो प्लांट है उससे फ्लावर देने लगे और पूरे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ भी हो। तो आज आप लोगों के साथ ऐसा ही फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जिसे देने से आपका प्लांट जो है काफी अच्छे से फ्लावर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। वैसे तो काफी चीजें होती है लेकिन मैं आज शॉर्ट में बताऊंगी, मतलब 3 चीजें ही यहाँ पर अप्लाई करें। ये है सरसों की खली। अगर आपके वहां पर हल्की ठंड हो चुकी है तो आप ये जरूर दीजिए। और ये है बोन मील, ये 3 चम्मच बोन मील है और 3 चम्मच सरसों की खली दे रही हूँ। उसके साथ 1 चम्मच सीवीड, ये पूरा जो है कंप्लीट खाद है, क्योंकि सरसों की खली के अंदर एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं, और जो बोन मील है उससे कैल्शियम मिलेगा और उसके साथ में आपके प्लांट की रूट्स के लिए फास्फोरस भी मिलेगा। और सीवीड जो है उसमें जो है सभी तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं वो रहता है, जो आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो ये तीनों न्यूट्रिशंस जो है आपके प्लांट में अगर फूल नहीं भी आ रहा है तो जरूर लाने में हेल्प करेगा। अब देना किस तरह से है वो देख लीजिए। आप कभी भी कोई भी खल टाइप की चीजें, जैसे सरसों की खली यहाँ दे रही हूँ, तो कोई भी चीज जो खल है, जैसे नीम खल हो गया या सरसों की खली हो गया, इसे कभी भी आप जो है टॉप लेयर पे मत दीजिएगा। इससे होगा ये आपके जो सॉइल है ऊपर से पूरा फंगस से भर जाएगा, उससे आपके प्लांट को और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो देना है आपको ऊपर से 2 इंच मिट्टी मैंने खाली कर लिया है और एक लाइन जैसा होल कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये जो खाद है पूरे गमले के चारों तरफ से देकर मिट्टी से अच्छे से कवर करना है। ऐसा करने से आपके प्लांट में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। वैसे ये जो फंगस होते हैं ये गुड फंगस होते हैं और प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बस आपको अच्छे से पानी देना है और ये खाद महीने में एक बार ही देना है। बोन मील आपको वापस 2 से 2.5 महीने बाद रिपीट करना है। बोन मील हर महीने नहीं देना होता है, बाकी जो 2 चीजें हैं वो आप हर महीने दे सकते हैं। दोस्तों ये खाद देने के बाद में आपके प्लांट में जरूर से 10 से 12 दिन में कलियां बनने लगेगी, और अगर कलियां नहीं बन रही है तो आपके प्लांट में जरूर से रूट बाउंड हो चुका है। रूट्स बाउंड अगर हो रखा है तो क्या करना है, रूट्स वगैरह कट करना, और उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर है, मैं लिंक दे दूंगी। रिपोर्टिंग करना पड़ेगा शुरू वापस से आपके प्लांट को। और जब आपके प्लांट में अगर कलियां बन गई है तो उसके बाद आपके प्लांट को फिर से फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। मैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद बता रही हूँ, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा और उसके साथ में पोटाश दीजिएगा। पोटाश मतलब आप केले का छिलका अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीज बता रही हूँ। तो आप केले के छिलके को सुखा कर के 2 से 3 चम्मच आप दे सकते हैं 10 इंच के गमले के लिए, नहीं तो आप जो है 4 से 5 केले के छिलके को पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद वो वाटर भी आप दे सकते हैं। इस खाद के 15 दिन बाद वो दीजिएगा, तब तक आपके प्लांट में कलियां बनने लग जाएगी। तो इसी तरह के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं या पसंद आ रहा है आपको वीडियो, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।